ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜੰਮੂ ਹੈ। ਸੰਨਿਆ ਖਬਰਾਂ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਖਾਸ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਕਨੇ ਮੈਂ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ। 78ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਚ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ ਚ ਫੁੱਲ ਡਰੈਸ ਰਿਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਸ਼ਸਤਰ ਬਲ, ਖੁਫੀਆ ਤੌਰ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਐਮ ਵੀ ਸੁਚਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਕਰਦੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਰੋਧੀ ਅਭਿਆਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਨ ਆਈ ਆਰ ਐਫ਼ ਆਸਿਆ ਹਾਲ ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਚ ਜੰਮੂ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੁਲਖਿਆ ਦੀ ਅੱਬਲ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਹੋਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਕਨੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਖਜੂਰੀਆ। 78ਵੇਂ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਚ ਐਮ ਏ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜੰਮੂ ਚ ਫੁੱਲ ਡਰੈਸ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਲੈਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ, ਐਨ ਸੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਸਤੇ ਨੇ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਕੀਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਆਸਿਆ ਰੰਗਾਰੰਗ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰੇ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता अपनी जान को भी न्यौछावर करेंगे। आज ही के दिन हम भारत के स्वतंत्र सेनानियों और भारत की एकता को बचाने के लिए जिन्होंने बलिदान दिए उन वीर जवानों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक बार फिर आप सभी को भारत के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर घर तिरंगा अभियान दे सिरे तौर पर ते स्वतंत्रता दिवस दे सरबंध च जिला प्रशासन रियासी आसिया तिरंगा रैली कड्डी गई। ए जनरल जोरावर सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम थमां शुरू होई ते ऋषि चौक जाइयै संपन्न हुई। इस रैली च बक बक स्कूलें दे विद्यार्थियें, सरकारी कर्मचारियें, युवा स्वयं सेवियें ते मुकामी लोकें सरता। इस मौके पर बोलते रियासी दे डिप्टी कमिश्नर विशेष मैजन होरें आख्या, तिरंगा हमारी जान, हमारी आन और हमारी शान है। पूरे यूटी में, देश में तिरंगा रैली निकाली जा रही है। तो अपने आप अगर देखेंगे, ये बच्चे जो है, हम जैसे कहते हैं कैच देम यंग एंड वॉच देम ग्रो, हम ये सारी चीजें इनकलकेट करना चाहते हैं अपने बच्चों में। बड़े भी हैं, सारे ऑफिसर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, आम शहरी भी हैं। तो तिरंगा की जो जोश आपके दिल में आता है, जो भारत माता की जय निकलती है, ये रैली उसी के लिए और सेलिब्रेट करने के लिए जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है, ये आज की तिरंगा रैली, ये हमारी तरफ से 15 अगस्त की तैयारी की सेलिब्रेशन है। और मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इससे भी बड़ी संख्या में 15 अगस्त के मेन फंक्शन में जहां जहां हो रहा है पार्टिसिपेट करें। 78ਵੇਂ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਚ ਕਠੁਆ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਚ ਫੁੱਲ ਡਰੈਸ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ, ਸੇਨਾ, ਐਨਸੀਸੀ ਕੈਡਟਸ ਆਸਿਆ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਠੁਆ ਦੇ ADDC ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰੇ ਪਰੇਡ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਲੈਤੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, उन्होंने अपनी जान गवा दी। जैसे भगत सिंह, सुखदेव और के नेता थे जो जेलों में गए, खाने पानी में गए, तो उन सबने स्वतंत्रता दिवस की कामना की थी कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे और एक स्वतंत्र भारत बनाएंगे। तो जो हमारा सपना था कि हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे।
हर घर तिरंगा अभियान दे सिद्धे तौर पर डोडा च तिरंगा रैली कड्डी गई। इस रैली गी डोडा दे डिप्टी कमिशनर हरविंदर सिंह होरें स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा थमां रवाना करवाया। इस दे च केई सारे स्कूली विद्यार्थियें सरकारी मैहकमे पुलस ते नीम फौजी बलें हिस्सा लेआ। एह रैली स्पोर्ट्स स्टेडियम थमां शुरू होई ते क्लाक टावर ते बस स्टैंड थमां होंदी होई परतियै स्टेडियम आईए संपन्न होई गई। रैली दी अगुवाई डोडा दे डिप्टी कमिशनर ते SSP होरें कीती। इस मौके पर बोलदे डोडा दे डिप्टी कमिश्नर होरें आक्खेआ, डिस्ट्रिक्ट डोडा में हर जगह तिरंगा रैली निकाली गई और जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पीछे जस्ट तिरंगा रैली कंक्लूड हुई है। हमारे जितने स्कूल्स हैं, हमारी जितनी डोडा की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं, उन सब ने इसमें बढ़ चढ़ कर शिरकत की। जहां जहां से तिरंगा रैली निकली लोगों ने वहां वहां अपनी दुकानों के बाहर ध्वज को फहराया, तो एक बहुत अच्छा एक पेट्रियोटिक मैसेज आ रहा है पूरे देश के लिए। और जो ये तिरंगा रैली है इसके बाद कल हमारा एक तिरंगा कंसर्ट रहेगा और परसों ग्रैंड सेलिब्रेशन होंगी इंडिपेंडेंस डे की। तो मैं आपके जरिए हमारी तमाम आवाम को इनवाइट करना चाहूंगा कि इसमें बढ़ चढ़ कर शिरकत ले। ठत्तर में स्वतंत्रता दिवस के संबंध में उधमपुर के जागते दे सरकारी डिग्री कॉलेज च फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। उधमपुर के ADDC रजिंदर सिंह होरें राष्ट्रीय झंडा फहराया ते परेड की सलामी लैती। परेड च पुलस, NCC, होमगार्ड ते शिक्षा इदारे दे दस्ते मार्च पास्ट च हिस्सा लिया। ADDC राजेंद्र सिंह होरें इस मौके पर बोलते हुए आख्या, इंडिपेंडेंस डे की फुल ड्रेस रिहर्सल थी जिसमें सभी जितने भी कॉन्टेजेंसी यहां पर इन्होंने पार्टिसिपेट करना, उनकी मार्च पास हुआ। हमारे अब कल्चरल आइटम्स भी इसमें दिखाई जाएंगी। राजौरी ते जिला पुलिस लाइन च स्वतंत्रता दिवस सरबंधी फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। राजौरी दे ADC राजीव कुमार खजूरिया होरें पुलिस, CRPF, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, NCC ते विद्यार्थियों दे दस्ते आसिया की गई परेड की सलामी लैती। इस मौके पर बोलते हुए ADC राजौरी राजीव कुमार खजूरिया होरें आख्या, सभी देशवासियों को और मखसूस जो हमारे राजौरी वासी हैं उनको जोशो खरोश से और बड़ी धूमधाम से हम इस पर्व को मनाने की तैयारी कर रहे हैं। आज यहाँ पे हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अफिसरान, पुलिस के अफिसरान की प्रेजेंस में जो हमारे जितने भी आइटम्स हैं उन पर हमारी फुल ड्रेस रिहर्सल भी चल रही है और उम्मीद है कि हर साल की तरह इस बार भी जो हमारा परफॉर्मेंस है पूरे जिले में और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बहुत बेहतरीन होने वाली है। प्रधानमंत्री हुंदे दफ्तर च राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह होरें काली पड़ी राष्ट्रीय जरनैली शिड़क थमां शुरू होई दी तिरंगा यात्रा च हिस्सा लिया। एह यात्रा कठुआ दे मुखर्जी चौक जाइयै संपन्न होई। डॉ जितेंद्र सिंह होरें तिरंगा बाइक रैली दी अगुवाई कीती। इस मौके पर लोकें राष्ट्रीय झंडे हत्थे च लैते दे हे ते ओ भारत माता दी जय दे नारे ला करदे हे। इस मौके पर बोलदे केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह होरें आख्या, एक बार पुनः भारत माता की सेवा में अपने आप को समर्पण करने की प्रतिबद्धता और एक ही दिन के बाद स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। जैसे मोदी जी अक्सर कहते हैं कि भारत की आजादी के लिए मरने का तो हमें अवसर नहीं रहा, लेकिन आजाद भारत के विकास के लिए जिंदा रहने का मौका हमें भगवान ने दिया है और उसी संकल्प के साथ मोदी जी के नेतृत्व की भारत की विकास यात्रा में हम सब यथाशक्ति अपना योगदान करके सन 2047 के शताब्दी भारत के स्वप्न को साकार करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा की पुंछ इकाई आसिया पुंछ च इक तिरंगा रैली का सरिस्ता किया गया। इसकी अगुवाई BJP की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रविन्द्र रैना होरें कीती। यह रैली SK ब्रिज थमां शुरू हुई ते शंकर नगर ओल्ड सिटी किला बाजार थमां हुंदी हुई बस स्टैंड स्थित शहीद मनजीत सिंह मेमोरियल जाइए संपन्न हुई गई। इस रैली च रविन्द्र रैना होरें सक्रियता कन्नै हिस्सा लैता। राष्ट्रीय झंडा फगड़ी उन्हें रैली की अगुवाई कीती। इस मौके पर बोलते हुए उन्हें आख्या,
सीमावर्ती जिला पुंछ में शानदार तिरंगा रैली पूरे पुंछ में निकाली है, जिसमें पुंछ, मेंढर और सुरनकोट क्षेत्रों से हजारों की तादाद में नौजवानों ने इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया और जम्मू कश्मीर के इस बॉर्डर के जिला पुंछ में भी शान और शौकत के साथ जश्न जोश और जुनून के साथ ये जश्न आजादी मनाया जा रहा है। एह खबरां तुस आकाशवाणी जम्मू परा सुनारदे ओ। धुन बाकी दियां खबरें कन्नै नरेश शर्मा। 78वें स्वतंत्रता ध्याड़े पर कुसै भी माड़ी घटना गी रोकने लेई समूलचे जम्मू क्षेत्र च सुरक्षा दे तगड़े इंतजाम कीते गेदे न। आकाशवाणी जम्मू दे संवाददाता ने खबर दित्ती है जे प्रशासन ने आजादी आले ध्याड़े गी रमानदारी कन्नै मनाए जाने लेई ते सुरक्षा गी यकीनी बनाए जाने गितै कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुख्य प्रोग्राम श्रीनगर दे बख्शी स्टेडियम च होग, जित्थे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और सलामी लैंगन ते प्रोग्राम दी अध्यक्षता करगन। प्रोग्राम च हजारां बद्दे लोकें दे शामल होने दी मेद है। जम्मू च लेफ्टिनेंट गवर्नर हुंदे सलाहकार आर आर भटनागर और मौलाना आजाद स्टेडियम च लगने आले प्रोग्राम दी प्रधानता करगन। सुरक्षा बलें श्रीनगर च निगरानी बधाई दित्ती दी है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय जरनैली सड़का समेत बक बक रस्ते पर जांच कारवाई चला करदी है। जम्मू च प्रोग्राम आली थारा दे आले दुआले उच्ची इमारतें पर पुलिस ते सीआरपीएफ दे शार्प शूटर तैनात कीते गेदे न। तकनीकी निगरानी भी कीती जा करदी है। उत्तरी सेना दे कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एम वी सुचेंद्र कुमार होरें अज्ज जम्मू कश्मीर दे चिनाव घाटी इलाके च इलै चला करदी आतंक विरोधी कारवाईयें दा जायजा लैता है। लेफ्टिनेंट जनरल कुमार होरें डोडा ते किश्तवाड़ च विद्रोहियें कन्नै निबड़ने सरबंधी डेल्टा फोर्स दी अगेत्री थाहरें दा दौरा लाया। उनें इलै चला करदे ते आने आले प्रोग्रामें दी सुरक्षा हिफाजत गी यकीनी बनांदे होई जोरें शोरें कन्नै कारवाई करने लेई आखिया। फौज दी उत्तरी कमान ने एदे बारे एक्स पर इक पोस्ट लिखी। पोस्ट च आखिया गेदा है जे लेफ्टिनेंट जनरल होरें इलाके च लाए जा करदे बादू बलें दी तैनाती दे विकल्पें दा आकलन कीता ते पुलिस ते नीम फौजी बलें कन्नै बेहतर तालमेल पर जोर पाया। डोडा जिले च उत्तरी थाहरें पर 12 जून सवां बक्ख बक्ख इलाकें च होए दे अद्धी दर्जन कोला मते टाकरें च 4 फौजी शहीद होई गए हे। इंदे च इक कैप्टन भी शामिल हे। इनें टाकरें च 3 विदेशी आतंकवादी मारे गए। किश्तवाड़ जिले च ते तपाशी अभियान आली कारवाई दौरान सुरक्षा बलें ते आतंकवादियें बश्कार 11 अगस्त गी इक टाकरा भड़की पिया हा। दौनें जिलें च सुरक्षा बलें बड्डा तपाशी अभियान चलाए दा ऐ। लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा होरें हाल च एनआईआरएफ आसिया जारी कीती गेदी दर्जेबंदी च जम्मू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, एनआईटी श्रीनगर, आईआईएम जम्मू ते माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जम्मू ते शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कश्मीर गी मुल्खै च अब्बल यूनिवर्सिटियें ते संस्थानें दी सूची च शामल होने पर मुबारखां दित्तियां न। लेफ्टिनेंट गवर्नर होरें एक्स पर लिखी दी इक पोस्ट च आखिया जे शिक्षा मंत्रालय आसेया जारी कीती गेदी एनआईआरएफ दर्जेबंदी च विश्वविद्यालयें दी श्रेणी च जम्मू यूनिवर्सिटी पहली बारी 50 अब्बल यूनिवर्सिटियें च शामल होई गई है। उनें इस उपलब्धि लेई उपकुलपति प्रोफेसर उमेश राय, शिक्षकें ते गैर शिक्षक अमले गी मुबारखां दित्तियां न। एनआईटी श्रीनगर ने नासिमी थार हासिल कीती है। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी वास्तुकला च 40 अब्बल संस्थानें च शामल होई गई है। आईआईटी जम्मू ते आईआईएम जम्मू भी इंजीनियरिंग ते प्रबंधन संस्थानें दी 100 अब्बल संस्थानें दी सूची च शामल होई गई है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होरें आजादी आले ध्याड़े कोला पहले अज बडलै नमीं दिल्ली दे भारत मंडपम सभा हर घर तिरंगा बाइक रैली गी झंडी दस्सियै रवाना कीता। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राम मोहन नायडू, किरण रिजिजू ते मनसुख मांडविया और मौजूद हे। ए रैली मेजर ध्यान चंद नेशनल स्टेडियम च खत्म हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होर कल राष्ट्रपति भवन च सोए आले सालाना अमृत उद्यान 2024 दा उद्घाटन करगन। अमृत उद्यान शुक्रवारें सभा 15 सितंबर तोड़ी आम जनता लेई खुला रहोग। सरकार मच्छेरें दे बपार ते सुरक्षा गी बढ़ावा देने लेई मच्छियां फगड़ने आले समुद्री जहाजें पर 1,00,000 ट्रांसपोंडर लाग। मच्छियां पालने सरबंधी मंत्री राजीव रंजन सिंह होरें नमीं दिल्ली च लग्गे दे इक प्रोग्राम च एह गल्ल आखी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर होरें आखिया है जे भारत दुनिया भरै च लोकवाद दा समर्थक है। उन्हें भरोसा जताया जे जेड़े भी अमरीका दे नमे राष्ट्रपति होंगन ओ भारत कन्ने खरे सरबंध बनांगन। मंत्री होर भारत अमरीका सरबंधें दे विकास ते अमरीका च रौहने आले भारतीय प्रवासियों गी संबोधित करा करदे हे। भारत अमरीका सरबंधें पर डॉ जयशंकर होरें आखिया जे भारतीय प्रवासियों दा द्विपक्षी सरबंधें च इक बड़ा गै खरा योगदान है। उन्हें आखिया जे H-1B ने भारत अमरीका सरबंधें गी मजबूत करने च शीत युद्ध जिन्ना गै योगदान दिता है। समाचार समाप्त होए।